दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सवाई मानसिंह स्टेडियम में यशस्वी ने अपने बल्ले से मचाई इस कदर तबाही, खून के आंसू रोने को मजबूर हो गई धोनी की पलटन। खौफनाक छक्कों की बरसात से उड़ा कर रख दिए पूरे क्रिकेट जगत के होश। तो आखिर कैसे चेन्नई और राजस्थान के बीच खेले गए मुकाबले में, जिसमें राजस्थान से अपनी पुरानी हार का बदला लेने उतरी चेन्नई एक बार फिर हार के मुकाम पर पहुंच गई। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जोश बटला और महेंद्र सिंह धोनी में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अपने पिछले हार का इंतकाम लेने के लिए महेंद्र सिंह धोनी की पलटन तैयार थी। राजस्थान के गढ़ सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान के राजवाड़े मेहमानों का स्वागत करने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। दोनों टीमों के बीच होने वाले जबरदस्त घमासान देखने को पूरी दुनिया उत्साहित थी। प्लेऑफ के दौर में एक और मजबूत कदम दोनों टीमें बढ़ाना चाहती थी। ऐसे में इस मुकाबले में रोमांच फिर अपनी चरम सीमाओं की सारी हदों को पार करने वाला था। अपने घर में कप्तान संजीव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोनों अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। ये दोनों अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से विरोधी गेंदबाजों को तहस नहस करने के लिए जाने जाते हैं। कुछ यही डर चेन्नई को भी सता रहा था, जिसका नजारा उन्होंने अपने पहले ही ओवर में दिखा दिया। आकाश सिंह का स्वागत ही यशस्वी जायसवाल ने एक नहीं बल्कि लगातार दो गेंदों पर दो खतरनाक चौके से करके अपने तेवर चेन्नई को दिखाने शुरू कर दिए। पहले ही ओवर से काउंटर अटैक कर उन्होंने अपने पहले ओवर में एक के बाद एक तीन चौके जड़ दिए। अभी से पूरा स्टेडियम राजस्थान के नारों से गूंज उठा। यशस्वी को तूफानी बल्लेबाजी करता देख जॉस बटलर ने भी दूसरे छोर से जरा भी देर नहीं लगाई और तुषार देशपांडे को इस बार उन्होंने आड़े हाथों लिया। यशस्वी के अंदाज में बटलर ने भी एक के बाद एक लगातार दो चौके जड़कर बता दिया कि वो आज तबाही मचाने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। लेकिन दोस्तों, यह तो तूफान के पहले की शांति थी, उसके बाद जो हुआ उसे देखकर चेन्नई के करोड़ों फैंस की रूह तक कांप उठी। जी हां, आपको बता दें, पारी के तीसरे ओवर में एक बार फिर आए थे आकाश सिंह, लेकिन इस गेंदबाजी के गुरूर के साथ साथ उनके करियर के भी परखच्चे उड़ाते हुए यशस्वी जायसवाल ने एक ओवर में तीन खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्का लगाकर पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया। उनके तूफानी बल्लेबाजी देखकर तो विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी के भी पसीने छूटे हुए नजर आ रहे थे। कोई भी उनके विस्फोटक बल्लेबाजी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। वहीं चेन्नई के सभी प्लान प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि इन दोनों ने मैदान में कोहराम मचा रखा था। दोस्तों, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर पहले तीन ओवरों में ही उन्होंने 42 रन ठोककर अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिला दी। महेंद्र सिंह धोनी किसी भी कीमत पर विकेट चटकाना चाहते, क्योंकि ये दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में तेज गेंदबाजों की पिटाई होता देख उन्होंने चौथा ओवर दिया महेश तीक्ष्णा को। इस गेंदबाज ने आकर यशस्वी को लगभग अपने जाल में फंसा लिया था, लेकिन डीआरएस ने यशस्वी को बचा लिया। पर इस गेंदबाज ने अपनी घातक गेंदबाजी से रनों में पूरी तरह से लगाम लगा दी थी। पर दोस्तों, यशस्वी को ज्यादा देर तक रोक पाना उनके भी बस की बात नहीं थी। अगले ओवर में यशस्वी ने अपने खतरनाक पुल शॉट से 90 मीटर दूर गेंद को खेक कर गेंदबाज की तो हालत खराब करके रख दी थी। धोनी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों को कैसे आउट किया जाए। देखते ही देखते पांच ओवरों से पहले ही इन दोनों ने अर्धशतक की पार्टनरशिप कर ली। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी एक के बाद एक दो खतरनाक चौके की बदौलत इन दोनों खिलाड़ियों ने छह ओवरों में अपनी टीम को 64 रनों तक पहुंचा दिया था। धोनी ने थकार कर अपने तुरुप के इक्के रविंद्र जडेजा को आखिरकार गेंदबाजी आक्रमण पर बुलाया, लेकिन इन दोनों को रोक पाना किसी के भी बस की बात नहीं हो पा रही थी। जडेजा के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने इतना खतरनाक रिवर्स स्वीप लगाया कि गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद सीधा स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में जा गिरी। उनके इस अद्भुत छक्के पर स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई थी। राजस्थान के फैंस की खुशियों का ठिकाना नहीं था। इस बीच यशस्वी जायसवाल ने तूफानी अंदाज में केवल 26 गेंदों में ही एक और अर्धशतक पूरा कर लिया। उनके लिए पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। दोस्तों, यह दोनों तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे तभी जॉस बटलर धोनी के जाल में फंस जाते हैं। रविंद्र जडेजा की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वह बाउंड्री पर खड़े शिवम दुबे को अपना आसान सा कैच थमाकर वापस लौट गए। जहां पूरे मैदान में मातम का माहौल बन गया, तो वहीं चेन्नई के खेमे में खुशियां वापस आ चुकी थी। बटलर 21 गेंदों पर 27 रन बनाकर वापस लौटे। 8.2 ओवरों में राजस्थान ने 86 रन बना लिए थे। जहां राजस्थान के पास ऐसे तूफानी बल्लेबाजों की फौज है जो बड़ी आसानी से उन्हें 200 रनों के पार ले जा सकती है, तो वहीं चेन्नई भी अपनी घातक गेंदबाजी से उन्हें कम से कम स्कोर पर रोककर लक्ष्य को हासिल करने का दम रखती है। ऐसे में मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चेन्नई और राजस्थान में कौन सी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।